एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के बाद 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली साहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत वहीं मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर कहा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी बोले, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू की माता की भाईली है, वह तेरी को खोल देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करा दी। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा लिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुन्दर पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता ने बहुत खुश होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है माँ, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी ढोक और पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आईं और आकर कहने लगीं, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब साहू माता ने
दया करके मेरी को खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख तुमने खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहता की, सुनता की, हुंकारा भरती की, सब पर दया करना। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुप्पी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे और साथ में ही आवाज लगाते रहे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। उनकी बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते रहे और पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई और गणेश जी लगातार घूमते रहे। तभी वहां पर उन्होंने एक बुढ़िया को देखा, जो कि शाम के वक्त अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। वहां से भी गणेश जी यही पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने उसे कहा, माई, अपने घर से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर झोंपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा वाला बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर से एक बड़ा सा पतीला ले आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उढ़ेलना शुरू किया तो बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देखा, दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन झोंपड़ी से बाहर लाती रही और उसमें गणेश जी दूध भरते रहे। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। भगवान गणेश ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम मेरी खीर बना दो और मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद बुढ़िया हर घर में जाकर खीर खाने के लिए दावत का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे कि बुढ़िया के घर में खाने के लिए दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कुतूहल हुआ, खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, अब तो सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू ने दावत की बात सुनी तो वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे हुए पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसे बड़ी जोर की भूख भी लगी थी। उसने एक कटोरी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा नीचे जमीन पर गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो देखा कि बालक वापस आ गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, खीर तैयार है, आओ भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माई, मेरा भोग तो लग गया है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ। अब खीर को तू खा, अपने परिवार को खिला, अपने गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा तब भी खीर बच जाएगी, इस बची हुई खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों कोनों में रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा कि पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई थी। अब वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी बनवाया। इससे उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी। उस जगह
वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर आते, पूजा करते और मान्यताएं मानने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगे। इसलिए हे गजानन, हम आपसे विनती करते हैं कि जैसी तुमने बुढ़िया पर कृपा की, वैसे ही कहते की, सुनता की और हुंकारा भरते की सब पर कृपा करो। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।